Assalamualaikum, dear students and parents. How are you all? I hope you all are fine. This is your phonics PT and open your book page number 12. So this is your page number 12. Okay. जिस दिन आपने काम करना है डे यहाँ राइट करना है एंड डेट यहाँ राइट करनी है. ओके, डेट तारीख यहाँ लिखनी है, डे दिन यहाँ लिखना है. नाउ रीड द कैप्शन आफ्टर मी. Write the ending letter of each picture. Read it again. Write the ending letter of each picture. ये आपको कुछ pictures नजर आ रही हैं. आपने इनका ending sound लिखना है. हर picture को बोलकर आपने देखना है उसके last में ending sound का मतलब क्या होता है. जो last sound है, जो आपके मुंह में आखिरी दफा आखिरी लफ्ज आता है, वो ending sound होता है. जिस तरह Which picture is this? Tag. G आया last में आपके. G आया ना? Tag. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? G. Box के अंदर करके ही आपने लिखना है. Which picture is this? Rag. So, क्या ending sound आ रहा है? G. Which picture is this? Bag. इसका भी ग आ रहा है. Mag. Mag के लास्ट में भी ग साउंड आ रहा है, एंडिंग साउंड. एंड वैग. वैग का भी एंडिंग साउंड क्या आ रहा है? ग. तो आप लोगों ने यहां पर भी नीट हैंड राइटिंग में ग लिखना है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. फिल द गैप्स. फिल द गैप्स. फिल द गैप्स का क्या मतलब होता है? कि आपने पिक्चर से देख के ये वाले गैप्स फिल करने हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पहली स्टोरीज में इसके डिफिकल्ट वर्ड पहले पढ़े थे, इसी तरह हम इसमें भी पहले डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड? लाइक, रीड एंड यूज्ड. यूज्ड. Used. Saw. 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 When. 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 Saw. 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 Next हमारे पास क्या है? Liked. 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 Read. 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 ये बच्चों को अगर आप जंबल लेटर्स अगर आप किसी पेज पर भी लेके याद करवाएंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी इजीली इसको लर्न कर लेंगे. ओके, नाउ मूव टू द रीडिंग. सैम हैड अ डॉग. सैम्स डॉग यूज्ड टू वैग. व्हेन इट सॉ टॉम द कैट, सैम हैड अ टैग ऑन हिज बैग. बेन लाइक्ड टू रीड मैग, बट द मैग वॉज रैग. रीड इट अगेन. सैम हैड अ डॉग. सैम्स डॉग यूज टू वैग. वेन इट सॉ टॉम द कैट, सैम हैड अ टैग on his bag. Ben liked to read mag, but the mag was rag. ठीक है बेटा, आपने इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है. स्टोरी की थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ उर्दू में भी क्या ट्रांसलेशन है. सैम हैड अ डॉग. सैम के पास एक डॉग है, कुत्ता है. सैम्स डॉग यूज टू वैग. वो कुत्ता अपनी दुम को हिलाता है. सैम का कुत्ता अपनी दुम को हिलाता है. व्हेन इट सॉ टॉम द कैट, जब भी वो टॉम बिल्ली का नाम है, जब भी वो टॉम बिल्ली को. ओके, नाउ बेटा अब हम इसके इन गैप्स को फिल करेंगे. ठीक है. सैम हैड अ डॉग. सैम्स डॉग यूज टू वैग. पिक्चर किस चीज की है? वैग. वो एग. वैग. ओके. व्हेन इट सॉ टॉम, सॉ टॉम द कैट, सैम हैड अ टैग.
on his bag. Ben liked to read Mag. 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 But the mag was rag. तो बेटा आप लोगों ने ऐसे ही नीट हैंड राइटिंग में काम करना है और इरेजर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, कर्सिव राइटिंग में लिखना है आपने, ठीक है? और रोज़ों में अपनी मामा बाबा को तंग नहीं करना, अपनी मामा की हेल्प करनी है, ओके? टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़.